मैं अशोक बग्गी बोल रहा हूँ और संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं पहली बार अपना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, तो संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप उसको माफ करना। मैं गुरु जी से 2007 में जुड़ा था और उसके लिए मैं दर्शन आंटी का शुक्राना अदा करता हूँ, जो मेरे साथ एयर इंडिया में मेरी कली थी। उन्होंने मुझे बहुत दिनों से कह रही थी कि इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है, वो डिप्रेशन है और कई फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, कि आप गुरु जी से मिल लो। लेकिन पता नहीं, मेरा गुरु जी से मिलना नहीं हो सकता और मैं बहुत आज भी पछताता हूँ कि मैं क्यों गुरु जी से जल्दी नहीं मिला। एक दिन दर्शन आंटी के साथ मैं गुरु जी के गया और ये मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि पहले ही दिन गुरु जी ने दर्शन आंटी के साथ मुझे एम्पायर स्टेट में लिखा है, वहां पे अपने कमरे में अंदर बुलाया और मेरे से बात की और मेरे से पूछा, हाँ वो कितने हैं, पंजाब में? मैं क्या, हाँ जी मैं पंजाब था, पंजाब के थे। मैं क्या, सरांदा? ओ अच्छा अच्छा। फिर गुरु जी ने कुछ और बातें की और बातें करने के बाद मुझे कहा, अच्छा चल तू इतने अंदर है। तो मैं गुरु जी के दो दो दिन होते थे तो वहां जाता था। पहली बार गया, जो शब्द चल रहे थे मुझे वो सुन के बड़ा अच्छा लगा और अगली बार जब मैं आया तो मैं अपने साथ एक दो और भी कली लेकर आया, तो उन कलीज को भी बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने वहां जो जो दिन होते थे हम कोशिश करते थे कि वहां जाते हैं, लेकिन जब मैं कई बार शाम को जल्दी जाता था तो मैंने देखा कि गुरु जी जींस में और टी शर्ट में बैठे हैं, तो देख के बड़ी हैरानी होती थी कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो कमरे में जाते थे और जब चोला पहन के अपने सिंहासन पे बैठते थे, तो सबसे एक जो अजीब चीज देखी कि गुरु जी जैसे सब लेक्चर देते हैं, गुरु जी ऐसी बात, तो एक चीज थी कि गुरु जी मन की बात पढ़ लेते थे और उसी टाइम संगत से ही कोई मेरे पास आता था और जो मेरे डाउट्स हैं वो मेरे क्लियर कर देता था। और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं कि गुरु जी ने मुझे ऐसा जोड़ा। एक दिन मैं आया तो गुरु जी को मैंने सर झुकाया तो गुरु जी ने कहा, आ भाई सरान वाले आ गए हैं, अच्छा तेरा ना कार्ड मैं दर्शन आंटी को देता और तू ले ले। वो कार्ड था, एक सीता ट्रेवल्स के इंदर शर्मा जी हैं उनके लड़के की शादी का, तो वो कार्ड उन्होंने संगत में गुरु जी को दिया था। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं कि गुरु जी ने उस कार्ड पे मेरा नाम अपने हाथ से लिख के अशोक सरंद वाला, और वो कार्ड दर्शन आंटी ने मुझे दिया और हमने बकायदा वो शादी अटेंड की। तो वो कुछ दिन में कार्ड ही थे, तो मैं अपने आप लकी समझता हूं कि गुरु जी ने मुझे काबिल समझा और मुझे उस फंक्शन कि गुरु जी के हाथ की लिखी हुई चीज तो उसको आग लगा तो ट्रेन में लगा बेटा लंदन से आया है, तो गुरु जी ने कहा, हाँ भाई लंदन को आया है तो आना बोला। तो मेरे बेटे को लगा कि एक स्पिरिचुअल गुरु का एक दूसरा बच्चे के दिमाग में एक आइडिया था, तो उसको बड़ी हैरानी हुई। यानी उसने सत्संग अटेंड किया, उसको बड़ा अच्छा लगा और आने के बाद उसने जो अपनी जीन्स वगैरह है वो एक कपड़ा एक दिन पहन के फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा कपड़ा पहनता और चार दिन बाद फिर उसी को, तो चार दिन बाद उसने वो जीन जब निकाली तो उसमें गुलाब की खुशबू आया। तो मेरे बेटे का पापा इधर आना,
तो मैं गया, मैं इसमें देखो, मैंने देखा चार दिन के बाद भी उस जीन, पुरानी जीन जो चार दिन पहले उसने एक दिन के लिए पहनी थी, उसमें गुरु जी की जो गुलाब की खुशबू थी वो लगातार आ रही थी। तो ये मैंने कहा बेटे ये गुरु जी की अपनी उस दिन गई थी, मैंने कहा ये कह जाती है, मैंने कभी इसका मुझे नहीं मालूम। अपने लिए द्वारका में हमेशा कोई ना कोई डील, लेकिन कभी मेरे को डील पूरी नहीं हो रही होनी। तो जब मैं आया तो वो डील मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई। तो उससे पहले छह सात बार डील हुई थी, छह सातों डील बिल्कुल मतलब एंड में आके हमेशा टूट जाती थी। तो ये जो घर मुझे मिला है ये गुरु जी की ब्लेसिंग से मिला है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो लास्ट डील मैं कर रहा था वो भी किसी तरीके से पूरी हो पाएगी। और अब मैं गुरु जी पे इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ कि अगर बाई द वे घर में मेरी चाबी का गुच्छा भी गुम जाए तो ढूंढो तो नहीं मिल रहा होता, तो मैं गुरु जी के स्वरूप के पास जाता हूँ और गुरु जी के स्वरूप के पास जाके मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु जी मेरी चाबी ढूंढ लो। और तो मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि मेरे गॉगल्स कहीं उधर रख दूं, वो भी ढूंढने होते हैं। तो उसके लिए भी मैं जब परेशान हो जाता हूं तो फिर गुरु जी के यहां जाके प्रार्थना करता हूं और फिर 5 मिनट में वो गॉगल्स मिल जाते हैं। तो गुरु जी कहा करते थे कि, तो कई बार मैं एक दिन रात को मैं सपने में सो रहा था, तो सोते सोते स्वरूप में से गुरुजी के दर्शन हुए और स्वरूप में से गुरुजी बोल रहे हैं कि आप ही मैं तेरी वरी दूर करता। और मैं गया और मैंने स्वरूप के पास अपना सर झुकाया, तो कुछ दिनों बाद मैं सोचता रहा कि ये स्वरूप में से गुरुजी कैसे दिखाई दिए, सपने में आया कि आ तू मैं तेरी वरी दूर करता और वहां जाके मैंने सर झुकाया। तो ये मैं अभी सोच पे चल ही रहा था तो एक सत्संग मुझे दिखाई दिया जहां ये बोला गया था कि गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरा स्वरूप तुम्हारे साथ गाल करेगा। तो जो मेरे मन में शक था उसका जवाब एकदम YouTube पे एक संगत के थ्रू मुझे मिला। एक सबसे अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि ये आदमी, इसको सिडनी जाना है, इसकी वाइफ अकेली है, 3 महीने का बच्चा है और कोरोना के दिनों में ये आया था अपने फादर का इलाज करवाने के जो कोरोना में थे और उनकी डेथ हो गई, उसको वापस जाना है क्योंकि वहां पर इसकी वाइफ के लिए 3 महीने का बच्चा है, तो प्लीज इसकी हेल्प करो अगर सीट मिल जाए। तो मैंने कहा भाई एयर इंडिया में सीटें मिलना बड़ा मुश्किल है, इन दिनों बड़ी मारामारी चली, एनी हाउ मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपने जो जान पहचान के लोग थे उनको हेडक्वार्टर में फोन किया, तो वो कहते भाई कोशिश कर देंगे पर है बड़ा मुश्किल। तो उस आदमी ने कहा, उस बच्चे ने कहा मुझे कि अंकल मुझे कहते हैं जनवरी में सीट मिलेगी, शायद कोई गारंटी नहीं है लेकिन अगर दिसंबर में हो जाए। तो मैंने कहा बेटे मैं ट्राई करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो मैंने पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी को भी फोन किया, मैंने कहा भाई एक सीट चाहिए अगर आप निकलवा दो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सेक्रेटरी कहता अंकल आप सिडनी की सीट मांग रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटे सिडनी की। कहता नहीं वो तुम्हारे बॉस ने ट्राई की थी एमडी से तो वो नहीं निकली, वो तो हो ही नहीं सकती। मैं कहा चलो एक काम करो तुम चिट्ठी तो भेजवाओ अपने बॉस से साइन करा के, फिर देखते हैं किसी और के अप्रोच वगैरह लगाते हैं। सका जी आप हैरान हो जाएंगे। अगले दिन मुझे उस बच्चे का फोन आता है कि अंकल थैंक यू वेरी मच मेरी सीट हो गई है। मैंने कहां से? कहता मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया था। मैं किसने फोन किया, नाम क्या उस आदमी का? कहता अंकल ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि भाई हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं तुम्हारी सीट क्लियर हो गई है। तो मैं बड़ा हैरान कि मैंने कहा बेटे अगर ये हुई है तो ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। कहता कि डिवाइन इंटरवेंशन है पर ये हुई आपके थ्रू है। एक चीज मैं समझ जी बता दूं, जब मैं ये ट्राई कर रहा था उस टाइम इसके इस बच्चे के हालात देख के गुरु जी का स्वरूप के सामने मैंने हल्का सा सर झुकाया, कहा गुरु जी देख लो अगर कुछ हो जाए। मैंने एक हल्के तरीके से ही गुरु जी से अरदास की थी, कोई ऐसी नहीं कि बड़ी दिल लगा के अरदास की हो एंड ऑल दैट। मैंने कहा गुरु जी ये बेचारा दुखी है अगर कुछ हो जाए इसका, पर इतना ही बोला था। तो संगत जी मैंने कहा अच्छा बेटे अगर तुम्हारी सीट निकल गई है तो जाओ तुम कल
अगर पैसे कुछ कम ज्यादा भी मांगे तो बहस मत करना, तुम सीट अपनी निकलवा लेना। और उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपने दोस्तों को फोन किया है क्वार्टर वगैरह में, मैंने कहा भाई आप थैंक यू वेरी मच सीट, कहते नहीं नहीं थैंक यू किस बात का, मैंने कहा वो सीट तो उस बच्चे की निकल गई है, सीट हो गई, वो कहते पर हमने तो किसी को नहीं बोला। तो मैं बड़ा हैरान, तो मैंने उस पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी से बात की, मैंने कहा बच्चे आपने वहां बात की थी, कहता नहीं अंकल मैंने बात नहीं की, वो चिट्ठी बना के रखी हुई है लेकिन आपने माना किया था कि अभी साइन करा के भेजना नहीं। तो संगत जी आप ये बताइए कि वो सीट भी निकल गई, किसी ने किसी को कुछ कहा भी नहीं, और सबसे अच्छी चीज ये है कि गुरु जी ने एक और चीज की कि मेरे कहने से अगर किसी को कहने से सीट निकल जाती तो मेरे दिमाग में ये अहम आ जाता कि मेरे कहने से हुआ है, लेकिन गुरुजी का मैं लाख लाख शुक्राना करता हूं कि गुरुजी ने मेरे में वो अहम भी नहीं आने दिया, और मैं भी आज तक कंफ्यूज हूं और मेरे हेडक्वार्टर के दोस्त भी आज तक कंफ्यूज हैं, और वो जो बच्चा जिसने वो जाना था उसको 3 जनवरी की शायद सीट निकलती वो 28 दिसंबर को चला गया। तो समझ जी ये जो कुछ भी हुआ है गुरुजी की वजह से ही हुआ है और गुरुजी ने ही कराया है। तो अब मैं गुरुजी से इतना ज्यादा जुड़ गया हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अब हर सांस में गुरुजी है। गुरुजी से अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो गुरुजी आपकी आवाज जरूर सुनते हैं। और गुरुजी और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुजी एक बार मैं गुरुजी की संगत में गया एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी खड़े थे तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया कि उत्थे बह जा, तो वो वाला हिस्सा थोड़ा सा कमरे से बाहर था, तो मैं जाके वहां बैठ गया। लेकिन जैसे हम लोगों की एक आदत होती है कि गुरुजी ने आज मुझे बाहर क्यों बैठाया है, तो जैसे ही गुरुजी की निगाह हटी तो मैं जाके अंदर वाले कमरे में बैठ गया। वो मैंने कर तो लिया, लेकिन आज जब मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा अपने आप को गिल्टी मानता हूं, बड़ी कलानी होती है कि गुरुजी ने जो कहा था मुझे वही करना चाहिए था, ये जो होशियारी मैंने दिखाई वो बहुत गलत थी, जो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और उसकी सजा मेरे को ये मिली कि वो मेरे आखिरी दर्शन थे गुरुजी के फिजिकल रूप में। उसके कुछ दिनों बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और जिस दिन चोला छोड़ा है तो मुझे सुबह ही पता लग गया था, तो फिर मेरे को उनके दर्शन हुए बड़े मंदिर में जहां पे उनके स्वरूप पिलाया गया, वो एक फ्रीजर वाली ठंडी उसके अंदर उनको रखा गया, तो वो मेरे गुरुजी से लास्ट दर्शन थे। उसके बाद मैं गया हूं गुरुजी के, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है, मेरा एक अटैक हुआ था पैनक्रियाटिक, उसमें मैं मंदिर में गया था कि गुरुजी की मेरा ऑपरेशन बच जाए, और वाकई में मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ऑपरेशन के अलावा कोई और प्रोसीजर से ही मेरा वो काम हो गया और मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया लेकिन बहुत कम जाता था। एक दिन रात को मुझे सपने में ऐसा लगा कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया हूं और वहां बिस्किट्स वगैरह पड़े हैं, तो मैंने बिस्किट्स के पैकेट पर खाने पीने की चीजें कुछ वहां से जो दी जा रही थी या पड़ी थी मैंने वो ज्यादा ले ली, तो लेने के बाद मेरी नींद खुल गई। तो मैंने अपने आप को बड़ा गिल्टी फील किया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे जितना बोला गया था लिमिट में ही लेना चाहिए था, ये मैंने बड़ा गलत किया। तो उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन आ रहा था, तो मैंने स्टोर में गया, काफी सारे बिस्किट्स वगैरह लिए और चीजें ली, तो मैंने कहा ये मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके ये जो मेरी गिल्टी है उसको खत्म करने के लिए दूंगा। तो जब मैं गया उस दिन बहुत गर्मी थी, तो मैंने संगत से कहा कि मैं ये वो देना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा ये आप बड़े मंदिर में कोई नहीं लेगा, आप जाके एक जगह है वहां दे दो, वहां से वो सेवादारों को में वो बांटे जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कार लेकर जब मैं वहां से आ रहा था तो गर्मी बहुत थी, तो संगत जी आप हैरान रह जाएंगे कि एक कार वाला जो सेवादार था अपनी गाड़ी लिए खड़ा हुआ था, तो उसने कहा अंकल आप मंदिर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं मंदिर जा रहा हूं। तो कहते आओ बैठो। तो मैंने कहा आप कैसे? कहता जब आप उधर जा रहे थे तो मैंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं तो मैंने गाड़ी रोक ली कि मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। तो संगत जी सीना आ रहा था, गर्मी बहुत थी, तो गुरु जी ने हेल्प भेज दी, तो उस अंकल के साथ मैं वहां गया।
मेरा सफर आसान हो गया। और उस जन्मदिन में जब मैं गया तो मुझे जाके बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे गुरुजी से फिर दोबारा जुड़ना शुरू कर दिया। और फिर पिछले दिनों में हर मंडे को गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई कोई बस वगैरह आने में टाइम लगेगी तो संगत पैदल ही मंदिर तक चली जाए। तो मैं पैदल चलने लगा, मेरे को थोड़ी सी गर्मी थी, तकलीफ हो रही थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसी टाइम एक गाड़ी वाला आया, उसने कहा कि अंकल आप बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटे मैं बड़े मंदिर जा रहा हूं। तो उसने मुझे लिफ्ट दी और लिफ्ट दे के मुझे वहां मंदिर तक पहुंचा दिया। तो ये देखा गया कि गुरु जी छोटी छोटी चीजों का भी तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो अब गुरु जी से मुझे 2007 में जुड़ा था, अब 2021 हो गए हैं। अब हम उस दिन की वेट कर रहे हैं कि जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा और हम लोग सब आराम से वहां जा पाएंगे। और एंड में मैं विक्रम मंगल का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का, और इन स्पाइट ऑफ इतनी प्रॉब्लम्स की इंटरनेट मेरा काम नहीं कर रहा प्रॉपरली एंड ऑल दैट, उन्होंने फिर भी पेशेंस रखी, मेरे से जुड़ा नहीं जा रहा क्योंकि मैं पहली बार जुड़ा हूं। उन्होंने उसके गुरु जी से जुड़ने में भी मुझे बहुत मदद की। और विक्रम मंगल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो बड़े पेशेंट हैं, वो गुरु जी के भक्त और सेवादार ही नहीं है, ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग जो आउट ऑफ वे लोगों की हेल्प करते हैं। तो संगत का भी शुक्राना अदा करता हूं कि शायद मैं जिस तरह और लोग संगत में बोलते हैं शायद मैं ना बोल पाया हूं, तो इस बार मुझे आप सब लोग माफ करना। और मैं गुरु जी से भी माफी मांगता हूं और गुरु जी का भी शुक्राना करता हूं कि किसी भी तरीके से रोक टोक के मैं ये सत्संग सुना पाया। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।